हेलो गाइस, आज की शॉर्ट वीडियो में हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में कुछ जानेंगे, UNHRC से। हालांकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, न्यूज़ में कैसा देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड रेजोल्यूशन टू सस्पेंडिंग रशिया फ्रॉम ऑफ UNHRC अबाउट इट्स वॉर ऑन यूक्रेन। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक रेजोल्यूशन निकाला था कि रशिया को UNHRC से बाहर करने के लिए। चलिए UNHRC के बारे में जानते हैं। यूनाइटेड नेशन हायर कमीशन फॉर रेफ्यूजीज इट्स ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू सेविंग लाइफ्स, प्रोटेक्टिंग राइट्स, बिल्डिंग ऑफ बेटर फ्यूचर फॉर रिफ्यूजीज, फॉर्सिबली डिस्प्लेस्ड एंड कम्युनिटीज एंड स्टेटलेस पीपल्स, क्रिएटेड इन 1950 ड्यूरिंग द आफ्टरमैथ ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। UNGA बाय द 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग में सस्पेंड द राइट ऑफ मेंबरशिप ऑफ इन द काउंसिल ऑफ ए मेंबर ऑफ काउंसिल। तो ये बोल रहा है कि अगर 2/3 अगर इंटरनेशनल जनरल असेंबली अगर पास हो गया, प्रेजेंट वोटिंग कर देंगे तो उसको, तो आराम एक मेंबर को बाहर कर सकते हैं। एब्सटेंशन डो नॉट काउंट एंड रेजोल्यूशन रिक्वायर टू 2/3 यस और नो वोट एडोट। तो जो एब्सटेंट जो भी करेंगे, जैसा इंडिया करता है एब्सटेंट, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, यस एंड नो को 2/3 में काउंट किया जाता है। बिफोर रशिया, लीबिया वॉज द लास्ट मेंबर टू बी सस्पेंड इन 2011। रशिया से पहले लीबिया को भी किया गया था इसमें 2011 में। वाट आर ह्यूमन राइट्स, देखिए द यूनिवर्सल राइट्स आर इनहेरिटेंट टू अस ऑल रिगार्डलेस ऑफ नेशनल सेक्स, नेशनल और इथनिकल ओरिजिन, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज एंड एनी अदर स्टेटस। दे रेंज फ्रॉम द मोस्ट फंडामेंटल राइट टू लाइफ टू दोस दैट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग, सच एज द राइट टू फूड, एजुकेशन, वर्क, हेल्थ एंड लाइबिलिटी। द यूनाइटेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एडॉप्टेड बाई यूएन जनरल असेंबली 1948 में हुआ था। इसको द फर्स्ट वर्स लीगल डॉक्यूमेंट टू सेटअप ऑन द फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन राइट्स टू बी यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स टुगेदर विथ द टू कन्वेंशन मिक्स ऑफ द इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, दे आर इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स। द की फीचर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या क्या देख लीजिए, इन एलिनेबल, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, इनविजिबल एंड इंटरडिपेंडेंट, यूनिवर्सलिटी। चलिए अब कुछ फैक्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जो 2006 में स्टैब्लिश हुआ था। इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी विथ इंटरनेशनल सिस्टम मेड ऑफ 47 स्टेट थे फाउंडिंग मेंबर हैं इसमें। इट एक्सपेक्ट डायरेक्टली टू जनरल असेंबली, जो रिपोर्ट करता है डायरेक्ट किसको, जनरल असेंबली करता है। इट रिसीव्स सोशल टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम द UN ऑफिस एंड हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ऑफिस विथ इन द यूनियन सेक्रेटरीट, तो वहाँ से टेक्निकल सपोर्ट भी पाते हैं। डिसीजन, रेजोल्यूशन एंड रिकमेंडेशन नॉट लीगली बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग नहीं है ये। ई रिप्लेस फॉर्मर कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स इन विच ऑपरेट इन 1946 टू 2006, इसको रिप्लेस किया था ये। कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स आर क्रिएटेड इन 1946 ऑफ ए सब्सिडियरी बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका मैंडेट क्या है, द प्रिवेंट एंड कम्बैट द ह्यूमन राइट्स वायलेंस, टू मेक रिकमेंडेशन देयर ऑन, द प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट द मेनस्ट्रीम ऑफ ह्यूमन राइट्स विथ इन द यूएन सिस्टम, मैनेज यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, ए प्रोसेस थ्रू विच ईच यूएन मेंबर्स एंड ओवरऑल ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड इस रिव्यू। स्टेटस ऑफ इंडिया क्या है, देखिए इन अक्टूबर 2021 इंडिया वॉज री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर सिक्स्थ टर्म 2024 to 2026, तो 2 साल के लिए सिक्स टर्म के लिए फिर इलेक्ट किया हुआ है। एलिजिबल देखिए, और यूएन मेंबर्स आर एलिजिबल टू रन फॉर ए सीट ऑफ ए काउंसिल, द कंट्रीज आर नॉमिनेटेड बाय देयर रीजनल ग्रुप्स एंड इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली थ्रू द सीक्रेट बैलेट विथ इन द एब्सोल्यूट मेजोरिटी रिक्वायर्ड। सीक्रेट बैलेट भी किया जाएगा इलेक्शन। तो द जनरल असेंबली टेकन इन टू अकाउंट ऑफ कैंडिडेट स्टेट कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ एंड प्रोटेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके टर्म देखिए 3 ईयर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन, तो इमीडिएट इलेक्शन नहीं होता, कुछ ईयर की बात हो सकता है आफ्टर सर्विंग टू कंसेक्यूटिव टर्म। इफ ए काउंसिल मेंबर हुआ ग्रोस सेक्शुअल वायलेंस और ह्यूमन राइट्स, जनरल असेंबली में भी सस्पेंड द मेंबरशिप ऑफ 2/3 वोट ऑफ मेंबर प्रेजेंट। अगर वो मेंबर भी है तो उसमें उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं जनरल असेंबली में, अगर 2/3 अगर वोट आ गया तो। रीजन देख लीजिए कौन कौन से एरिया से, नंबर 1 सीट अफ्रीका, अफ्रीका से अफ्रीकन स्टेट 13 सीट है, एशिया पैसिफिक
136 लैटिन अमेरिका एंड साइबेरियन स्टेट 8, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट 7, ईस्टर्न यूरोप एंड स्टेट 6। तो इंडिया इज पार्ट ऑफ एशिया पैसिफिक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी अगर क्वारी है तो यूएनएचआरसी से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।